उत्तराखंड में जो पांचों लोकसभा सीटें हैं, पांचों लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन जीतेगा? अब हमारी इस बार, क्योंकि मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक लोकसभा में होकर आ गया हूं, और आज जो ये नामांकन हमारा यहाँ का हो रहा है, ये आज अंतिम नामांकन है, और इससे पहले चार नामांकनों में जब गया, पूरे उत्तराखंड के लोग अभी जैसे होली मना रहे हैं ना, होली मनाई है कल तक हम लोगों ने, होली मनाने के बाद लोकतंत्र के पर्व को भी मना रहे हैं, लोकतंत्र के उत्सव को भी मना रहे हैं, 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अजय भट्ट जी को अपना आशीर्वाद देंगे, और मोदी जी ने जो काम करने हैं तीसरी टर्म में, हम सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है तीसरी टर्म में और बड़े फैसले होने वाले हैं। तीसरी टर्म में जो विकसित भारत का संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की और बड़ी शक्ति बनने वाला है। तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो उत्तराखंड की बात न करते हो। हर एक अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड का स्मरण किया है। आपने मन की बात देखी होगी, उनके अनेक कार्यक्रम देखे होंगे, हर कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भाई और बहन को जो अपने कामों में लगे हुए थे, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ब्रह्मदमन लगी हुई टोपी जो हमारी पूरे विश्व में विख्यात हो गई, पूरे विश्व के अंदर, मैं इंग्लैंड गया था, मैंने देखा, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, वहाँ भी मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड की जो ब्रह्म कपल की टोपी है वो धारण किए हुए थे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी को लाल किले में वही टोपी धारण की हुई थी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, इसलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो कितनी सारी नई ट्रेनें यहाँ से चली हैं। आप देखिए कितने हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, तेजी से काम आगे बढ़ा है। जमरानी बांध जो हम कई दशकों से सुनते थे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, आप सब भी सुनते होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हमारे अजय भट्ट जी ने उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से किया, और आज हमको जमरानी बांध की जो है स्वीकृति प्रदान हो गई है। भाइयों बहनों, उसका निर्माण का कार्य चल गया है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य बात लगती होगी कि हमारे राज्य के अंदर दूसरा एम्स भी खुल गया है, दूसरा एम्स भी खुलने जा रहा है, हमको दूसरे एम्स की भी स्वीकृति हो गई है। कहां तो बहुत सारे राज्यों में एक एम्स भी नहीं खुल पाया है, और उत्तराखंड में यही उधम सिंह नगर में, यही हमारे रुद्रपुर में, यही किच्चा में, यहीं पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है, एम्स का सेटेलाइट सेंटर खुलने जा रहा है। रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री, कई सालों से वो भूमि हस्तांतरण लंबित पड़ा हुआ था। भाइयों बहनों, आज वो हमको उसकी भी भूमि हमको मिल गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, आपने देखा होगा, हरमिंदर साहब जाने के लिए अभी अजय भट्ट जी के प्रयासों से यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। ऐसे अनेक काम हुए हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम सड़कों की बात करें तो कितना आसान आज सड़कों में जाना हो गया है। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, ये भारत सरकार में मंत्री भी थे, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है। अभी पिछले दिनों में जसपुर आया था, डॉक्टर सिंघल जी यहाँ मंच पर हैं, तब भी मैंने कहा था कि जो धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन है उसकी भी हमको आगे भविष्य के लिए स्वीकृति मिल गई है। ऐसे अनेक काम, शिव अरोड़ा जी मंच पर बैठे हैं, ये लगातार यहाँ रोड की चौड़ीकरण की बात करते हैं, इसकी भी हमको जो है भारत सरकार को हमने प्रस्तावित कर दिया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं अजय भट्ट जी हमारे सदैव कर्मशील रहे हैं, जुझारू हैं। आपने देखा होगा लगातार
आते रहते हैं, मैं कई बार उनको फोन करता हूँ सवेरे, तो कहते हैं कि मैं अभी रात को यहाँ दिल्ली था और रात में चल के हल्द्वानी पहुँच गया हूँ, आज मैं यहाँ काशीपुर पहुँच गया हूँ, आज मैं नानकबता पहुँच गया हूँ, और कभी कभी तो मुझे पता लगता है कि ये रात में चल के बेताल घाट पहुँच गए, रामगढ़ पहुँच गए। भाइयों बहनों, बहुत सरलता से ये काम करते हैं, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमको उधम सिंह नगर नैनीताल इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आपको बहुत ही ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताकर भेजना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत कठिन समझते थे, वो सारे के सारे काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। 2014 के बाद देश लगातार बदला है, देश की कार्य संस्कृति बदली है, देश के अंदर लोगों के अंदर एक जोश जुनून पैदा हुआ है, हर एक भारतवासी के मन में ये भाव पैदा हुआ है कि अब हर एक भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर नेतृत्व कर सकता है। ये भाव जगाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी केवल हर वर्ग को सशक्त और समृद्ध ही नहीं बना रहे, बल्कि उनकी गारंटी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये गारंटी है किसानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, हर वर्ग के उत्थान की उनकी गारंटी है। किसानों को किसान समृद्धि योजना से आज आर्थिक मदद मिल रही है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, राज्य के अंदर भी आपने देखा होगा राज्य के नौजवानों को पिछले 2 सालों में एक बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हुआ है और पारदर्शिता के आधार पर हुआ है। भाइयों बहनों, हमारा राज्य मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जहाँ आज 4 धाम तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा मानसखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मानसखंड भी उसी तर्ज पर विकास की ओर आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर दृष्टि से आगे होगा, विकास के क्षेत्र में आगे होगा, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे होगा, कृषि, उद्यान, हॉर्टिकल्चर, पर्यटन, सारे क्षेत्रों में आगे होगा। हमने पिछले दिनों इसको लेकर देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया, आपके जनपद में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इसी उधम सिंह नगर में 24,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साथ हुए थे, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार मिलने वाला है। UCC हमने लागू किया है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, ये गौरव हमको प्राप्त है। उत्तराखंड के हर एक उत्तराखंडी को ये गौरव प्राप्त है कि उसका योगदान, उसका वोट जो 2022 में इस सरकार को बनाने के लिए, हमको सेवा करने के लिए जो आपने दिया था, उसका योगदान UCC बनाने में भी है। भाइयों बहनों, अतिक्रमण हटाने का अभियान हमने प्रदेश के अंदर जो शुरू किया था, वो अभियान लगातार चल रहा है। कई हजारों एकड़ जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल रोकने के लिए जो हमने कानून बनाया, वो एक मॉडल बन गया है हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। मातृशक्ति बहना उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ करी, 30% का आरक्षण उनके लिए सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ 3 गैस के सिलेंडर साल में 1 बार 3 बार मुफ्त देने की जो हमने योजना, जो हमने संकल्प लिया था, वो योजना हमने धरातल पर उतारी है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जो भी वायदा करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, वो धरातल पर उतारते हैं, उस वायदे को पूरा करते हैं। चाहे UCC लागू करना हो, चाहे मातृशक्ति को आरक्षण देना हो, चाहे उनको 3 सिलेंडर पूरे साल के अंदर मुफ्त देने हो, या उनको लखपति दीदी बनाना हो, या लखपति दीदी या उत्सव, सशक्त उत्सव महिला योजना शुरू करने हो, इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा हल्द्वानी में दंगा हुआ, वो दंगा भविष्य में न हो। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की अपनी एक अलग छवि है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड को शांत प्रदेश के नाम से जानते हैं। हम सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ किसी का इस बात के लिए भेद नहीं किया जाता है कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है, सबको हम समानता के आधार पर चलते हैं। और इसीलिए हमने UCC लागू किया भाइयों बहनों, और उत्तराखंड के अंदर अब कोई दंगा न करे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, किसी प्रकार का उपद्रव न करे उत्तराखंड में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान है। इसलिए हमने तय किया है उत्तराखंड के अंदर दंगा निरोधी कानून हमने लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में आप कोई दंगा करेगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी इस
कानून में हमने प्रावधान किया है, अनेकों काम हमने किए हैं। मैं और ज्यादा न कहते हुए आज इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, भाई बहनों, होली के बाद हमको 4 दिन को दिवाली मनानी है, तो 4 दिन को हम दिवाली मनाएंगे। तो आप सब जानते हैं दिवाली में हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी आती है तभी दिवाली होती है, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी, तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी तभी आएंगी। किस्मा आती लक्ष्मी जी आपको पता है किस्मा आती है जी? अरे जरा जोर से बताइए, कमल के फूल में आती है। तो इसलिए कमल के फूल वाला जो बटन है ना अजय भट्ट जी का, जो अभी आपको मिल जाएगा 1 नंबर पर 2 नंबर पर जो भी होगा, वो कमल के फूल वाला बटन प्रातः काल से आप सबको दबाते जाना है, दबाते जाना है। और सबसे कहना है जिसको भी जानते हैं पहले से बता दीजिए, दबाना भी है, लोगों से कहना है दबवाना भी है। और शाम 6 बजे तक, जब तक मतदान पूरा ना हो जाए, उसको इतना दबा दीजिए कि वो बटन हमारा कमल वाला जो है अंदर चला जाए। और मक्खन जी कह रहे हैं वो बटन बाहर तक निकलेगा दलीप भाई, जब 4 जून होगी 4 जून को बाहर निकलेगा और कमल की लड़िया और कमल की झड़िया निकलेंगी। हमारे अजय भट्ट जी ऐतिहासिक मतों से यहाँ से सांसद बनेंगे। और आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि मेरा आप लोगों पर विशेष अधिकार है, मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में मैं भी पड़ा हुआ हूँ, आप सबके बीच में रहा हूँ, तो हमारी ये लोकसभा, पांचों लोकसभा वैसे तो 5-5 लाख लोग वोटों से ज़्यादा से जीत रहे हैं, लेकिन ये नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा है वो पूरे उत्तराखंड के सारे रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 पर आनी चाहिए। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब सभी लोग मंच पे 1 मिनट 5 मिनट बैठे रहेंगे।